नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। रामलला की मूर्ति को थोड़ी ही देर में मंदिर परिसर में ला दिया जाएगा, इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय यजमान अनिल मिश्र समेत कई वैदिक विद्वानों ने सरयू में स्नान के साथ ही सरयू पूजन किया। इसके बाद कलश लेकर राम जन्मभूमि परिसर में किए जाएंगे, जहां रामलला की मूर्ति को परिसर में भ्रमण करवाया जाएगा। कल मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश करवाया जाएगा। तस्वीर आपको दिखा रही है जहां पर तमाम जो साधु संत हैं उन्होंने सबसे पहले पूजन किया, स्नान किया, सरयू तट पर विशेष पूजा अर्चना करते वक्त ये तस्वीर दिखा रहे हैं। मंदिर परिसर में रामलला जाएंगे और गर्भगृह में विराजेंगे। रामलला के मंदिर में प्रवेश से पहले देखिए पूजन आपको दिखा रहे हैं। सरयू तट पर विशेष पूजा की गई है। मंदिर परिसर में रामलला क्योंकि जाएंगे विराजेंगे, उससे पहले सरयू नदी में कलश पूजन का कार्य किया गया। विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ ये पूजन किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में इस वक्त पूरा माहौल राममय हो चुका है, न केवल अयोध्या में बल्कि पूरा देश राममय हो चुका है। और इस बीच आपको दिखा रहे हैं रामलला के विराजने से पहले जो कलश पूजन है वो किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है, जिसमें आप मंदिर के भव्य स्वरूप को देख सकते हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर पूरी तरह से तैयार है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। घर बैठे मंदिर के दर्शन कीजिए। मंदिर के बाहरी हिस्से के साथ गर्भगृह की भव्य तस्वीर आपके सामने है। साथ ही इस वक्त जहां मूर्ति का विग्रह रखा हुआ है वहां की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, अलौकिक मंदिर की ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर घर बैठे आप लोग देख सकते हैं कि अभी दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। आधा से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है तो उसके पहले आप देखिए किस तरह की तैयारियां मंदिर परिसर में की जा रही हैं। अयोध्या अपने स्वर्ण काल की ओर लौट रही है, लेकिन आपको पता है इसकी नींव आज से 30 साल पहले यानी कि 1992 में पड़ी थी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक अयोध्या से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखा रहा है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं अयोध्या के 30 साल का सफर सिर्फ 15 मिनट में। एक सफर अयोध्या का जिसकी वर्तमान कहानी शुरू होती है आज से करीब 30 साल पहले। दिसंबर 1992 यही वो तारीख थी जिस दिन सही मायनों में राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ। विवादित ढांचा जो चंद मिनट पहले तक शान से खड़ा था, कार सेवकों ने पल भर में वहां का नक्शा बदल दिया। सभी गुंबद गायब थे और सामने थी समतल जमीन जिसका सीधा संबंध निकाला गया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक दिन पहले दिए गए बयान से। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल सार देवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। सार देवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, पराक्रम किया जाएगा। उस वक्त तक विवादित स्थल पर तीन चीजें मौजूद थी, एक बाबरी मस्जिद, दूसरा सीता की रसोई और तीसरा स्वयं रामलला विराजमान। लेकिन देखते ही देखते कुछ चीजें कहां गायब हो गईं ये दुनिया देख रही थी, लेकिन किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। और देखते ही देखते अयोध्या की तस्वीर बदलने शुरू हो गई। आगे दो रास्ते थे, एक अदालती फैसले का रास्ता और फैसले के इंतजार के बिना रामकाज में जुटे रहने का रास्ता।
दिन बीते, साल बीते और फिर एक दिन दोनों रास्ते एक ही जगह पर आकर मिल गए। वो जगह अयोध्या है। फैसले के बाद शुरू हुआ राम मंदिर का निर्माण, जिसकी रफ्तार देख दुनिया भर के आर्किटेक्ट दंग थे। उन दृश्यों को वक्त में पिरोना आसान नहीं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अयोध्या और राम मंदिर के निर्माण का टाइम लैप्स। पांच अगस्त 2020 में भूमि पूजन के बाद राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ, तो दिन रात तस्वीर बदलती चली गई। पहले नींव, फिर पिलर, दीवारें, गुंबद, नक्काशी, तराशी और न जाने क्या क्या। देखते ही देखते अयोध्या में राम ध्वज लहराने लगा। अयोध्या प्रकृति के नवनिर्माण को देख रही थी, फिर सृजन और श्रृंगार के रास्ते पर अयोध्या बढ़ चली, जिसकी गवाह पूरी दुनिया बन रही थी। इधर रामकाज तेजी से चल रहा था, उधर राम मंदिर की बीच बीच में तस्वीरें सामने आ रही थी, जिनसे साक्षात होकर हर अयोध्यावासी अभिभूत नजर आ रहा था। सिरों पर जरा गौर कीजिए, किस तरह से यहाँ पर लगातार फिनिशिंग के काम को आगे चलाया जा रहा है वो आपको दिख रहा होगा, और भव्य राम मंदिर आपको यहाँ दूर से दिखाई दे रहा होगा। मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हुआ तो उस वक्त पत्थर दूर दूर से सभी ने अपनी क्षमता के मुताबिक भेजे, किसी ने एक ईंट भेजी, किसी ने बहुत ईंटें भेजी, लेकिन सबने अपने अपने हिस्से का योगदान दिया होगा, योगदान दिया है। आप और हम उस जनरेशन से हैं जहां पर हमने दादी नानी को देखा है कि कैसे वो टीवी के आगे रामायण में प्रभु राम को देखते ही अपना हाथ जोड़कर शीश नवाती थी, और ठीक वैसे ही यहाँ पर हम भी अपना शीश नवा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु राम के उस मंदिर के बाहर है अभी हैं, अंदर वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर प्रभु राम हमें ठाट से दिखाई देंगे। हर तरफ मशीनें लगी हुई हैं और राम मंदिर के आसपास भी जो हर हिस्सा है वहाँ एक ना एक मंदिर बनाया गया है। हर तस्वीर हम आपको न्यूज 18 पर दिखा रहे। धूप, छांव, गर्मी, सर्दी, दिन रात ये सब बातें रामकाज के नाम पर बौनी नजर आने लगी, क्योंकि वर्षों का सपना साकार हो रहा था। प्रभु राम का धाम आकार ले रहा था। भला रामकाज पूरा किए बिना कोई विश्राम कैसे लेता। अतएव दिन रात काम चलता रहा, और फिर सामने आई वो भव्य दिव्य तस्वीर जिसका सभी को इंतजार था। और हम पहुंच आए हैं प्रभु राम के दिव्य और भव्य मंदिर में। मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो सबसे पहले आपको सिंह द्वार मिलेगा। ये सामने आपको सिंह द्वार दिखाई पड़ रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है। इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ, प्रभु राम की नगरी अयोध्या में, और भव्य राम मंदिर का निर्माण कितनी रफ्तार के साथ अपने अंतिम चरण पर है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। गृह तक तो इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए ये अब हम आ गए हैं सिंह द्वार के ठीक सामने। ये देखिए आप, सामने आपको सिंह द्वार दिखाई पड़ रहा है, और अब हम आ गए हैं गुड़ मंडप में, यानी गुरु मंडप। गुरु की बात अभी आगे रामलला होंगे, और बताया ही जा रहा है कि इसी मंडप तक आम श्रद्धालु आ पाएंगे और यहां से वो रामलला के दर्शन कर पाएंगे। इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए आप यहां तक आ पाएंगे, और यहां आने के बाद आपको रामलला के दर्शन हो पाएंगे। ये वो स्थान है जहां पर आम श्रद्धालुओं को रोक दिया जाएगा, यहीं से वो अपने रामलला को निहार पाएंगे, उनको देख पाएंगे। राम मंदिर के चारों तरफ लगभग 800 मीटर लंबे पर इस परकोटे का निर्माण किया जा रहा है। चारों तरफ राम भक्त जो है वो मंदिर की परिक्रमा करेंगे, और परिक्रमा के साथ साथ वो प्रभु राम के मंदिर की अद्भुत छटा को भी निहार सकेंगे। हर हिस्से में परकोटे में देवी देवताओं की मूर्तियां लगी रहेंगी। परकोटे के चारों कोनों पर मंदिर बनाए जाएंगे, जहां पर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिला पूजन किया था। इस स्थान को हम प्रणाम करते हैं और उसके बाद गर्भगृह में हम प्रवेश करते हैं। आप आइए देखिए, ये वो स्थान है, ये वो स्थान है जहां पर रामलला को विराजमान किया जाना है। आप सिंह द्वार देख पा रहे हैं, और सिंह द्वार के ठीक सामने परकोटे का निर्माण इस वक्त चल रहा है। हालांकि ये मंदिर के चारों तरफ परकोटा बनना है, लेकिन सामने करीब करीब ये आकार ले चुका है, तो इसकी तस्वीर सबसे पहले आप न्यूज 18 पर देख पाएंगे। अयोध्या अब इंटरनेशनल हो चली थी। चमचमाती सड़कें, हाईटेक सुविधाएं, अत्याधुनिक एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन इस अयोध्या को नई पहचान दे रहे थे।
यानी सारी कायनात अब राम की नगरी को सवारने में जुटी थी। करीब 500 सालों का संघर्ष, 30 सालों का सर्वस्व और आदिकालीन पहचान अब पुनर्स्थापित हो चली थी। अब अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय अयोध्या आकार ले चुकी थी। हुआ है, संकल्प सिद्धि में तब्दील हुआ है, उसका सुकून इस वक्त चेहरे पर देखने को मिल रहा है। कभी कल्पना नहीं कर पा रहे थे लोग कि एक ऐसा दिन भी आएगा जब अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। आज वो मंदिर भी तैयार हो गया है और उस मंदिर का दर्शन करने के लिए, प्रभु राम का दर्शन करने के लिए, ये एक तस्वीर हम ये दिखाएंगे। ये देखिए, इन्होंने इस धरती को नमन किया है। प्रभु राम ने जिस मिट्टी में जन्म लिया उस धरती को इन्होंने नमन किया है, मर्यादा का संदेश दिया। आज जब उस धरती पर वो पहुंचे हैं, उनके कदम पड़े, तो उन्होंने इस मिट्टी को अपने माथे से लगा लिया ताकि प्रभु राम का थोड़ा सा भी अंश अगर उनके मस्तिष्क में छू जाए, उनको प्रभावित कर जाए। सिर्फ अयोध्या ही नहीं सजाई जा रही थी, मेरे राम का धाम भी संवर रहा था। नित नूतन तस्वीरें राम मंदिर से बाहर आ रही थी, लहराती पताका, राम नाम से गुंजायमान गलियां। इसी स्वप्न के साकार होने का इंतजार तो हो रहा था, सदियों का इंतजार। अयोध्या में नए नए मार्ग, भक्ति पथ के निर्माण के साथ शहर का सौंदर्यीकरण भी तेजी से हो रहा था। नतीजा ये हुआ कि पुरातन शहर की पहचान तो वही रही, लेकिन तस्वीर बदलती चली गई। आज अयोध्या आध्यात्म और सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर अपनी पहचान बना रही है, तो इसे भी रामकाज से ही जोड़कर देखा जाना चाहिए। नव्य दिव्य अयोध्या के इतने रंग हैं कि कोई भी इन गलियों में भूल भटक जाए और राम में खोकर उन्हीं का गुणगान करता रह जाए। वैसे भी आदि अनादि तो वही है, जहां लौटकर सबको जाना। अयोध्या के 30 सालों की कहानी में फिलहाल के लिए इतना ही। राम मंदिर से जटायु का वीडियो भी सामने आ गया है और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर परिसर में बने जटायु की मूर्ति की पूजा करेंगे। आज न्यूज 18 राम मंदिर परिसर और प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कई वीडियोज आपको दिखा चुका है और हर एक तस्वीर न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। अभी जो ताजा तस्वीर सामने आई है वो जटायु की है। मान्यता है कि जब रावण माता सीता का हरण करके आकाश में उड़ गया, तब सीता का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट दिए जिससे वो उड़ ना सके और मरणासन्न होकर जमीन पर ही गिर पड़े। इसके बाद रावण सीता को लेकर लंका की ओर चला गया। तो इसी जटायु की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जटायु की भी पूजा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी के दिन। एक तरफ जहां प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और रामलला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजेंगे, पूजा पाठ करेंगे प्रधानमंत्री, तो दूसरी तरफ जटायु की भी पूजा करते हुए आप प्रधानमंत्री को देखेंगे। इंदौर में महापौर के आह्वान पर मॉल, होटल, सिनेमाघर, अस्पतालों और खानपान के लिए दुनिया में मशहूर 56 बाजार, सराफा और चौराहे पर राम मंदिर के मॉडल की स्थापना हो गई है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पहले इंदौर में जबरदस्त उत्साह है। राम उत्सव को लेकर ज्यादातर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इंदौर में राम उत्सव शुरू हो चुका है। चलिए ऐसी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। इंदौर के गंगवाल बस स्टैंड के पास एक होटल है, वहाँ की एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको प्रभु श्री राम नजर आएंगे और पूरी अयोध्या धाम की प्रतिकृति नजर आएगी। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने लोगों से आह्वान किया था कि अपने घरों के बाहर भगवान श्री राम अयोध्या धाम की प्रतिकृति लगाएं। होटल, हॉस्पिटल, कोचिंग संस्थान, मॉल्स, तमाम जगह पर उन्होंने कहा था कि 22 तारीख के पहले भगवान श्री राम अयोध्या धाम की प्रतिकृति लगाएं, दीपक जलाएं, दीपावली बनाएं, और कहीं ना कहीं वो उत्साह नजर भी आ रहा है। इंदौर के होटल्स, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, कहीं भी जहां आप जाएंगे, जो बड़ी मल्टी है, बड़े अपार्टमेंट है, वहां पर आपको भगवान श्री राम नजर आएंगे। पूरा देश भगवान के राम की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है और इंदौर में तो राम उत्सव शुरू हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट अगले साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर।
अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम बैंक है। इस बैंक में कॉपी पर चावल और सरसों के दानों पर राम नाम लिखकर जमा कराए जाते हैं। 1970 से शुरू हुए इस बैंक में करोड़ों राम नाम जो है वो जमा हो चुके हैं। बैंक तो आपने कई सुने होंगे, लेकिन अयोध्या में एक ऐसा बैंक है जो भगवान श्री राम के नाम से, उसका नाम तो है ही, लेकिन जो उसमें जमा होता है उसमें रुपए पैसे ज्वेलरी जमा नहीं होती, उसमें भगवान राम का नाम जमा होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम नाम बैंक है जो अयोध्या में आत्मकल्याण के लिए श्री सीताराम नाम अवश्य लिखे इस तरह की एक अपील, एक अनुरोध मंदिर के द्वारा, जो ये मंदिर है उसके द्वारा यहाँ पर किया गया और अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम नाम से बैंक खोला गया। ये जो बैंक है आप देखिए, इसमें करोड़ों अरबों नाम भगवान राम के लिखे गए हैं। और ऐसे बताते कि ट्रक के ट्रक पूरे देश भर से नहीं, दुनिया भर से जो भगवान श्री राम के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो कॉपी जो होती है उसमें लिखकर भगवान राम का नाम लिखकर भेजते हैं। आप ये संख्या देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद एक गोदाम अलग से बनाया गया जहां पर वो सब जमा होता है, क्योंकि आत्म कल्याण के लिए इसको जरूरी बताया गया कि जो भी भक्त अयोध्या आए या ना भी आए, वो भगवान राम के नाम से बुक जो कॉपी होती है उसमें, उस कॉपी में सीताराम सीताराम लिखें, जिससे उनका कल्याण होगा और उस पूरे देश का, पूरे विश्व का कल्याण की कामना की जाती है। तो राममय पूरा माहौल हो चुका है और ऐसे में तमाम जो राम भक्त हैं वो अपने तरीके से उत्साह को जाहिर कर रहे हैं। इंदौर में महापौर के आह्वान पर मॉल, होटल, सिनेमाघर, अस्पताल और खानपान के लिए दुनिया में मशहूर छप्पन बाजार में भी आप देख रहे हैं रौनक। और आप देखिए एलईडी स्क्रीन्स भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। इंदौर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ राम मंदिर जैसी पूरी जो यहाँ पर डिज़ाइन है, मॉडल जो है वो बनाया गया है। एलईडी स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है कि राम मंदिर की खासियत क्या है और जो मिनी राम मंदिर है उसको यहाँ पर बनाया गया है, सजाया गया है। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन्स पर।